जब घटोत्कच का बदला लेने महाभारत में आई हिडिंबा। आखिर कैसे लिया उसने अपने बेटे घटोत्कच का बदला और क्या हुआ तब जब हिडिंबा का हुआ अपने पति भीम से सामना। वो महाभारत युद्ध का 14वां दिन था। दोनों सेनाएं आपस में बुरी तरह जूझ रही थी और फिर वो हुआ जिसने कौरवों को आतंकित कर दिया। क्योंकि कौरव पक्ष में भारी उथल पुथल मचाता हुआ घटोत्कच अंगराज कर्ण की ओर बढ़ता चला जा रहा था। उस समय कौरवों की सेना के सेनापति गुरु द्रोण थे और उन्होंने कौरवों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई थी, किंतु वे घटोत्कच की मायावी शक्तियों का सामना ज्यादा समय तक नहीं कर पाए। ये देख दुर्योधन कांप उठा। उसने कर्ण को इंद्र से मिला अस्त्र चलाने को कहा और कर्ण ने उसके प्रयोग से घटोत्कच का अंत कर दिया। घटोत्कच भले ही मारा गया लेकिन उसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी और घटोत्कच की याद अभी भी हिडिंबा के मस्तिष्क में जिंदा थी। तो आखिर क्या किया हिडिंबा ने घटोत्कच के मरने के बाद, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले जय श्री कृष्ण कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे घर परिवार पर सदैव बनी रहेगी। ऐसा कहा जाता है कि घटोत्कच के मरने के बाद हिडिंबा व्याकुल हो युद्ध क्षेत्र की ओर बढ़ने लगी। तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए और उन्होंने हिडिंबा के क्रोध को शांत किया। उन्होंने हिडिंबा को घटोत्कच के जन्म का कारण बताया, अनेकों दिव्य ज्ञान प्रदान किए और राक्षसी हिडिंबा का मन परिवर्तन हो गया। उसके बाद हिडिंबा ने एक गहन तपस्या की जिससे उसे हमेशा के लिए राक्षसी जाति से मुक्ति मिल गई और वो एक सिद्ध देवी के रूप में परिवर्तित हो गई। शायद यही कारण है कि मनाली के आसपास के क्षेत्रों में आज भी हिडिंबा को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। मनाली में स्थित हिडिंबा देवी का मंदिर आज भी हिडिंबा की कहानी की गवाही देता है। जहां हिडिंबा के जन्मदिन के अवसर पर डूंगरी मेला का आयोजन किया जाता है। पुराने समय में मंदिर में बलि देने की परंपरा थी। मंदिर में आज भी जानवरों के लटके सींग देखे जा सकते हैं। हिडिंबा और उसके पुत्र घटोत्कच के बलिदान की कहानी इतिहास सदा याद रखेगा। श्री कृष्ण से मिले ज्ञान और गहन तपस्या के बाद हिडिंबा एक देवी बन गई, लेकिन उसका शुरुआती जीवन बड़ा ही दर्दनाक था, जहां उसे अपने ही राक्षस भाई हिडिंब के लिए एक सेविका के रूप में काम करना पड़ा। ये बात तब की है जब युधिष्ठिर हस्तिनापुर के युवराज बने और दुर्योधन अपनी इस कुंठा को लेकर मामा शकुनी के पास गया। शकुनी ने दुर्योधन को जो सुझाव दिया वो हमेशा के लिए कौरवों के माथे का कलंक बन गया। दुर्योधन और शकुनी ने पांडवों से जाकर कहा कि उनके पिता पांडु हमेशा वारणा व्रत में जाकर शिवजी की पूजा कर प्रजा में दान किया करते थे। उनके जाने के बाद से ये शुभ कार्य बंद है, इसलिए उन्हें वारणा व्रत जाना चाहिए। पांडव बात मान गए और इस बीच शकुनी और दुर्योधन ने उस महल को लाख में बदल दिया ताकि जब पांडव वहां जाएं तो उन्हें जलाकर भस्म कर दिया जाए। लेकिन महात्मा विदुर दुर्योधन के इस षड्यंत्र को भांप गए थे। उन्होंने उस महल में एक गुप्त सुरंग का निर्माण करवा दिया और इसकी सूचना उन्होंने पांडवों को दे दी। माता कुंती समेत सभी पांडव वारणा व्रत पहुंचे।
और जब वे रात को महल में सो रहे थे तब अचानक उस महल में आग लग गई। सभी को लगा कि पांडव लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो गए, लेकिन ये सत्य नहीं था। पांडव विदुर जी के द्वारा बनवाए गए उस सुरंग के रास्ते से बच निकले तथा दूसरे वन में प्रवेश कर नदी के माध्यम से दक्षिण दिशा की ओर चले गए। माता कुंती समेत सभी पांडव वेश बदल कर रहने लगे तथा वे जिस क्षेत्र में रह रहे थे वहां राक्षस हिडिंब का राज चलता था। हिडिंब देखने में बड़ा भयावह और अति शक्तिशाली राक्षस था। वो जिंदा मानवों को खा जाता था और इस प्रकार उसके आसपास के क्षेत्र में मानवों की आबादी कम हो गई थी। हिडिंब का इतना डर था कि कोई भी उसके क्षेत्र में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं करता था। राक्षस हिडिंब की हिडिंबा नामक एक बहन थी जो उसके लिए भोजन का प्रबंध किया करती थी। हिडिंब अपनी बहन हिडिंबा पर बहुत अत्याचार किया करता था तथा उसके साथ दासों जैसा बर्ताव करता था। एक शाम हिडिंब भूख से बेचैन हो उठा और उसने बड़े तिरस्कार की भावना से हिडिंबा को भोजन का प्रबंध करने को कहा। ना चाहते हुए भी हिडिंब की आज्ञा मानकर हिडिंबा उसके लिए भोजन की तलाश में निकल पड़ी। बड़ी दूर दूर तक भटकने के बाद भी हिडिंबा को कोई ऐसा मानव नहीं दिखा जिसे वो हिडिंब के लिए भोजन स्वरूप ले जा सके। तभी उसकी नजर एक कुटिया पर पड़ी। हिडिंबा कुटिया के अंदर गई तथा उसने वहां माता कुंती और पांचों पांडवों को सोते हुए देखा। सोते हुए भीम को देखकर हिडिंबा उस पर मोहित हो उठी और उसके विचार बदल गए। तभी भीम की निद्रा भंग हुई और ये देख राक्षसी हिडिंबा ने स्वयं को एक सुंदर स्त्री में बदल लिया। जब भीम ने अपनी कुटिया में एक सुंदर स्त्री को देखा तो उन्हें शक हुआ और वे उसे कुटिया से बाहर ले गए। उधर दूसरी ओर हिडिंब भूख से बेचैन था, अतः क्रोध में हिडिंब हिडिंबा की तलाश में निकल पड़ा और क्रोध में हिडिंबा पर टूट पड़ा। ऐसी स्थिति में भीमसेन ने हिडिंबा को हिडिंब से बचाया। फिर भीमसेन और हिडिंब के बीच घनघोर युद्ध छिड़ गया। युद्ध की आवाज से अंदर सो रहे माता कुंती समेत अन्य सभी पांडव जाग गए और उस स्थान पर आ गए। अंत में भीमसेन ने हिडिंब का वध किया और माता कुंती के आशीर्वाद से हिडिंबा से विवाह भी किया। उनको घटोत्कच नामक पुत्र प्राप्त हुआ जो युद्ध में कर्ण के हाथों वीर गति को प्राप्त हुआ और हिडिंबा इसी बलिदान के बाद राक्षसी से देवी बनी। तो क्या आप देवी हिडिंबा की इस कहानी को जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक व शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।